बड़का समाचार मां नजर दौड़ाए के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के। आओ देखथन खबर छत्तीसा। तो खबर छत्तीसा मां आप मन ला हमन लेके चलथन बस्तर। जी हां, फिर एक बार जिला मां मौसम के बदले ले किसान मन के परेशानी बढ़ गए है। बस्तर जिला मां होए जोरदार वर्षा ले जिहां किसान मन ला भारी नुकसान हो है, उन्हें खरीदी केंद्र मां खुला परे है करोड़ों के धान। रुपया मां भी बहुत ज्यादा बर्बादी हो है। देखो हमारी रिपोर्ट। ये हफ्ता हुए झमाझम वर्षा ह धान खरीदी केंद्र मन पर आफत बन के बरसिस, जेकर कारण खुल्ला महोवत धान खरीदी के केंद्र मन मा देखत देखत पानी भर गिस। ये हफ्ता हुए झमाझम वर्षा ह धान खरीदी केंद्र मन पर आफत बन के बरसिस, जेकर कारण खुल्ला महोवत धान खरीदी के केंद्र मन मा देखते देखत पानी भर गिस। जब तक खरीदी केंद्र में तैनात जिम्मेदार मनखे मन कुछ समझ पातिन, तब तक बरसात हर अपन काम कर दिस। भीषण वर्षा ले खरीदी केंद्र मा माढ़े जम्मो धान भींज गईस, जेकर ले सरकारी खजाना ला भी अब्बड़ नुकसान होए के अनुमान है। गौरतलब है कि धान खरीदी के कार्य 31 जनवरी के समाप्त हो जाही। खरीदी बंद होए मा अभी कुछ दिन बाँचे है, फिर भी खरीदी केंद्र ले धान के उठाव ठेकेदार मन के द्वारा नहीं करे जाते, जेकर ले किसान मन घला परेशान हुआ थे। अच्छा नहीं ले रहे, इससे आपको किस प्रकार की असुविधाएं हो रही है? असुविधा क्या है, असुविधा तो नहीं। आप मन ने बता दी हिन, खरीदी केंद्र ले 48 घंटा के अंदर धान उठाव के निर्देश राज्य शासन द्वारा देहे के बावजूद ओकर पालन नहीं हुआ थे। समस्या भीगने के कारण ये उठाव नहीं हुआ, इस कारण से भीग गया। अच्छा अच्छा, उसको फिर बोरा पलटवाएंगे, बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएगी। अच्छा, वो सूखने के बाद ही उठेगी? तो आपका उठाव में क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत वही है कि आरो नहीं कटता है जल्दी। अच्छा, जब कटेगा तभी उठेगा, मिलर को कट नहीं रहा है। बस्तर संभाग में ये बेरा 7,68,175 कुंटल धान खरीदी केंद्र मन में है। ये साल कस्टम मिलिंग ला लेके संभाग के 104 मिलर मन पंजीयन करवाए, लेकिन अब तक मात्र 78 मिलर मन ही धान के उठाव कर रहे थे। अभी तक संभाग में 10,83,825 क्विंटल के धान खरीदी हुए।